अपने घर से निकली, क्या बोली क्या कही रे बसिया। भगवान कृष्ण के लिए नंदगांव में निमंत्रण भेजा है, हमारी राधा के साथ में होली खेलने के लिए आई है। तो नंदगांव से आज लड्डुओं की बौछार होगी सारे मंदिर पर। कितने लोग हैं? हम लोग तीन ही साथ में आए। हाँ, लड्डू होली है, क्या कहेंगे, कैसा आनंद लग रहा है? लड्डू खाएंगे, लड्डू का आनंद लेंगे और राधा रानी के दर्शन मिल गए, सब कुछ मिल गया हमको, आनंद ही आनंद है। कोई कमी व्यवस्था में यहाँ आने जाने में कोई दिक्कत नहीं? सब बढ़िया, बहुत अच्छा। भोपाल से आ रहे हैं, हमारा नाम संध्या है। हमारा बरसाने में इतना आनंद आ रहा है, राधा रानी का दर्शन अच्छा हुआ, व्यवस्था है बहुत बढ़िया है और रसिया भी हम गा सकते हैं। लेक आगे शाम में तो रंग डालू लेके होलिया दर्शन करने आए हैं। हर साल आते हैं हम राधा रानी से बिहारी से होली खेले, हर साल आते हैं। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत ही अच्छा, बहुत आनंद, तभी तो आते हैं हर साल। नीलम सिंह। लड्डू होली को लेके क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा होता है, बहुत मन लगता है, बहुत एंजॉय करते हैं। होली का कोई गाना सुनाएंगे आप लोग? होली सबसे अलग हो सकते हैं, जब राधा रानी की कृपा होती जब आते हैं। हम दिल्ली से आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे लड्डू होली को लेके? लड्डू होली हमारी किस्मत है कि हमने राधा रानी के दर्शन कर रहे हैं, अभी हमने बागे बिहारी भी जाना है, दर्शन करेंगे, इसके बाद फिर निधिवन जाएंगे, निधिवन के बाद प्रेम मंदिर भी जाएंगे और इस्कॉन टेम्पल भी जाएंगे। ब्रज की होली में क्या नाम है आपका? कंवल पुरुथी। कंवल पुरुथी कंवल, कहाँ से आए आप? जींद हरियाणा। क्या कहेंगे यार, लड्डू होली है, कैसा आनंद बरस रहा है? बहुत आनंद आता है, बहुत राधा रानी की कृपा है, बहुत आनंद आता है यहाँ। शीतल कौशिक, दिल्ली से आए हैं, बरसाने के होली पहली बार देखने आए हैं।
बहुत अच्छा आनंद आया, बहुत सुंदर लगा। पंजाब से राधा दासी। बहुत आनंद हो रहा है और राधा रानी का धन्यवाद करते हैं। हमें पहली बार राधा रानी ने हमें अपनी होली में बुलाया, अपने उस रंगोत्सव में बुलाया। आपका बहुत ही कोटि धन्यवाद करते हैं राधा रानी का, और हमें बहुत आनंद हो रहा है, बहुत आनंद आ रहा है, और इतना प्यार उमड़ रहा है कि हम सबको बांटे। अवसर प्राप्त हुआ यहाँ पे, एक दूसरे को लड्डू मारे जाते हैं और फूलों की वर्षा और अमृत आनंद आनंद ही आनंद बरसता है यहाँ पे। आपके यहाँ रंगों और गुलाल से होली होती है, यहाँ लड्डुओं से भी होली है, फूलों से भी होली है, अलग अलग होली भी देखने को मिलती है, कैसा अनुभव होता है? बहुत सुंदर अनुभव होता है, इसकी तुलना कहीं नहीं है। जो सुख बरस रहे बरसाने तीनों लोक में नाए, बहुत ही आनंद बरसता है, और बहुत ही सबसे प्रसिद्ध लट्ठमार होली और लड्डू होली की लिखी थी यहाँ। देखिए सबने देखी होगी रंगों की और फूलों की होली, लेकिन राधा की नगरी बरसाना में इस समय आप लड्डुओं की होली देख रहे हैं। इसके पीछे रहस्य यह है कि सबसे पहले जो ब्रज में जो होली होती है वो बरसाना से शुरू होती है। लठामार होली का संदेशा जो है श्री जी महल से नंदगांव भेजा जाता है, उसकी स्वीकृति मिलने के बाद नंद महल से उसकी स्वीकृति श्री कृष्ण के यहाँ से मिलती है। उसकी स्वीकृति मिलने के बाद यहाँ पे पंडा जो आता है, वो पंडा आया है और यहाँ पे उसको लड्डू खिलाए गए हैं। बरसाना के हर घर से लड्डू उसको खिलाए गए हैं, उसकी झोली भर चुकी है, उसकी झोली पूरी तरह से भर चुका है। वो लड्डुओं को खा भी रहा है और लुटा भी रहा है, और लड्डू खाते खाते लुटाने के दौरान ही ये लड्डू होली शुरू हो गई है। और यही होली 5000 वर्ष पहले भी हुई थी, और यही होली आज भी आपको देखने के लिए मिल रही है। होरियारों को लड्डू खिलाए जाते हैं लठामार होली से पहले, आज उनकी अच्छी तरह से खिदमत की जा रही है। दूसरे दिन कल रंगीली गली में उसकी मार पिटाई होगी लाठियों के साथ, ऐसी होली है बरसाना की। होली को देखने के लिए कितने श्रद्धालु? देखिए तादाद की अगर मैं बात करूँ तो लगभग 30 से 40 लाख लोग बरसाना की होली देखने के लिए पहुँचते हैं। देश ही नहीं विदेशों से भी श्रद्धालु इस अनोखी होली को देखने के लिए पहुँचे हुए हैं। Yeah.
देखो 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 कर बढ़िया ऊपर से लड़ो है।